नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है मीनास चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा, वो भी चाइनीज पोहा बनाते हैं हम। ये वेजिटेबल के साथ बनाते हैं हम पोहा। कई तरीके से काके आए हैं, उपमा में, कटलेस में। आज मैं डिफरेंट तरह आपको एक ये रेसिपी लाई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट होता है, ज़्यादा मसाला भी नहीं है। जो डाइट करने वाले वो भी खा सकते हैं, बच्चे लोग खा सकते हैं, टिफिन में लेके जा सकते हैं, बहुत मजेदार है। देखिए किस तरह बनते हैं। मैंने एक कप पोहा लिया था, दो तीन पानी में धो के इसमें चन के ऐसा रखा। देखिए कितना खिला खिला हो गया। और उससे दाने के लिए, फ्राई करने के लिए हम कैबेज लिया आधी कप, और आधा कप कैरेट, शिमला मिर्च, और ये फ्रोजन वटाना, और टमाटर, टमाटर का बीज और वो पानी निकाला ऐसा। और कैबेज काटने के टाइम इस तरह डंठल होता है उसको नहीं डालना हमें, ऐसा निकल के दो के बारीक काटा हुआ है ये नहीं डाला है। और फ्राई करने के लिए टमाटर सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस, और ये अदरक लहसुन। अब हम पैन को गरम करने को रखेंगे। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। और पहला हम अदरक लहसुन करेंगे। अभी इसका ज्यादा फ्राई करके ब्राउन नहीं करने का, कैरेट डालेंगे। कैरेट थोड़ा जल्दी पकता नहीं तो बड़ा गैस पे रखेंगे। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। हम ये वटाना डालेंगे। अब हम एक चुटकी भर शक्कर डालते हैं क्योंकि ये ग्रीन रह जाता है। कोई भी सब्जी हम एक चुटकी शक्कर डालने से ग्रीन रह जाता है। अब एक मिनट हो चुका है, अब हम ये कैबेज डालते हैं और ये टमाटो। टमाटो को बीज और पानी नहीं डाला है मैंने, इसको फ्राई करेंगे। हमने दो मिनट पर इसको बड़ा आंच में फ्राई किया है। अब इसको थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि सॉस में भी डालने का है, थोड़ा कम ही नमक डालेंगे और एक मिनट फ्राई करेंगे। देखिए शुगर डालने से कितना कलर सेम टू सेम रहता है, कलर चेंज नहीं हो गया। नहीं तो पोहा देगा तो नहीं खाते हैं बच्चे लोग। चुका है, मैं बंद करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। इसमें अब हम इसमें थोड़ा तेल डालती हूँ, मैंने उसमें एक टेबलस्पून ही डाला, और थोड़ा तेल डालती हूँ। इसमें ये पोहा डालती हूँ। इसमें भी थोड़ा नमक डालती हूँ और इसमें थोड़ा ये जो मैगी मसाला है वो डालती हूँ। आपका बच्चे लोग किस तरह तीखा खाते हैं इतना डाल दीजिए, मैं इतना डालती हूँ एक चम्मच भर, ये बहुत टेस्टी होता है। इसमें पूरा साइड डाल देती हूँ।
और इन्हें फ्राई करती हूँ। अब ये हो चुका है, 2 मिनट मैंने फ्राई किया है। इसमें बाजू में रखेंगे और हम एक पैन लेते हैं, इसमें थोड़ा कांदा डालते हैं, थोड़ा सा तेल, और ये कांदा डालेंगे। अब ये कांदा 1 मिनट फ्राई हो चुका है, इसमें हम सॉस डालेंगे, ये टमाटर सॉस 1 टेबल स्पून और ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून और ये चिली सॉस। ये चिली सॉस में ये थोड़ा मीठा आता है, रेड चिली सॉस, और ये सुरभी का मीठा नहीं आता है, तो मैंने ये डाले है क्योंकि मैंने शुगर उसमें भी डाल दिया है। सॉस डाल के 1 मिनट हो गया, अब ये डालेंगे। ये 15 मिनट में अगर बाजी काट के होएगा तो आप बना सकते हैं, अगर टिफिन को देना है तो आप रात को ही फ्रिज में काट के बाजी रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बहुत खाने में स्वादिष्ट है, बच्चे लोग बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, इसके लिए इजी है। अब इसमें हम ये पोहा डालेंगे और मैगी मसाला डालेगा तो टेस्ट इतना है पूछो मत। देखिए 5-10 मिनट में ये होता है। अब हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, 1 टेबल स्पून इतना, ताकि पूरा सॉस कोटिंग हो जाए। अब हम इसको ढक के 1-2 मिनट पकने के लिए स्लो आंच में रखेंगे। अब 2 मिनट हो चुका है, देखिए 5 मिनट में बन के पूरा तैयार है। इसमें विनीगर डालते हैं मगर मैं नहीं डालती हूँ विनीगर, सब सॉस में विनीगर है, और लेमन भी नहीं डालती हूँ ये, और नमक डालेला सब स्वाद अनुसार है, मगर आप ये मैगी मसाला डालना मत भूलिए 1 चम्मच। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बाजी कट करके रखेगा तो हमें बनाना बहुत आसान है, 10-15 मिनट में ही बनता है। पोहा को पानी में ही रख के फिर उसको छाने, फिर इजी हो जाता है ये बनाने में। अगर आपको ये रेसिपी मेरा पोहा का अच्छा लगे तो आप शेयर लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में लिखिए किस तरह हो गया है, आप कमेंट्स नहीं लिखते हो, मुझे कमेंट्स करना आपका पसंद आता है, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।